तो दोस्तों, अगर आपने डिश टीवी या फिर वीडियोकॉन का जिंग वाला ये सेट टॉप बॉक्स खरीदा है, तो अब इस सेट टॉप बॉक्स को आप घर पर ही खुद ही कैसे एक्टिव कर सकते हैं एक छोटा सा मैसेज सेंड करके, और इसकी पूरी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो कैसे दोस्तों करनी है, जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास डिश NXT का HD बॉक्स है। अब इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, एक्टिव कैसे करना है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें JK Dish Info यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए DTH के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना जिंग वाला सेट टॉप बॉक्स जो है वो टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों लोडिंग लिख के आ रहा है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्क्रीन देखने को मिलेगी अगर आप पहली बार इसे लगा रहे हैं सेट टॉप बॉक्स टीवी के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराना वर्जन है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप डाइसेक का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर से सिग्नल मिला लीजिए डिश टीवी पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा डाइसेक 1 पे सिग्नल आ रहे हैं। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर सिग्नल आने के बाद आपको स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे, अगर स्टार्ट बटन पर आप ओके दबाएंगे तो यहाँ पर नया जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी डिश जो है वो डिश टीवी के सिग्नल पर अच्छी तरह से सेट होनी चाहिए। और अगर आप वीडियोकॉन का यूज़ कर रहे हो बॉक्स, तो आप वीडियोकॉन पर भी इसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा जो कि यहाँ पर 0.01 वर्जन से 1.72 वर्जन, जो एक नया वर्जन है लेटेस्ट वाला, ये वर्जन यहाँ पर डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर कुछ दोस्तों टाइम लगेगा प्रोसेस में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, स्किप कर लेता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लो और पूरी जानकारी आपको सही से दिखा पाओ। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर से ये सॉफ्टवेयर जो है 100% तक डाउनलोड होने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रेस यहाँ पर दिखा रहा है 79% तक, और दोस्तों यहाँ पर लगभग 4-5 मिनट जितना टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो बॉक्स है वो एक बार बूटअप होगा, एक बार रिस्टार्ट होगा, और कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप इंग्लिश की जगह हिंदी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर इंग्लिश रखा है। यहाँ पर चैनल लिस्ट जो है वो अपडेट होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्रेसिव में। तो यहाँ पर ये काफ़ी जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट में थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चैनल है और जो यहाँ पर हमारा पैकेज है 2 साल तक चलने वाला, और जो चैनल यहाँ पर हमें मिलने वाली है वो चैनल अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसे चलाने के लिए आप कस्टमर कॉल पर भी बातचीत कर सकते हो, और सिंपल दोस्तों अगर आप एक छोटा सा SMS भेज के भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसे आपको अपने मोबाइल में से कैसे एक सिंपल मैसेज टाइप करके भेजना है वो मैं आपको यहाँ पर से दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये सारा STV इन्फो शीट वगैरह आपको नज़र आएगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे एक्टिवेट करना बाकी है, इसीलिए यहाँ पर ये QR कोड वगैरह दिखा रहा है। बाकी आपका लो बैलेंस का एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है, लेकिन इससे आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अगर नया बॉक्स परचेज़ किया है तो ऑलरेडी आपका जो है वो रिचार्ज हो चुका है, और बस आपको एक बार एक्टिव करना आपका बाकी है। तो एक्टिव करना कैसे करना है वो मैं चलो आपको एक सिंपल एक मैसेज के तरीके से बताता हूँ, बाकी आप अपने कस्टमर केयर में जाके बातचीत करके भी कर सकते हो, या फिर जिससे आपने ख़रीदा है उससे भी आप ये करवा सकते हो। लेकिन आप खुद अगर करना चाहते हैं तो कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मोबाइल में जाना है, अपने SMS जो मैसेज है उसमें जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है जिंग, उसके बाद स्पेस ACT, और उसके बाद आपका VC नंबर, और उसके बाद स्पेस दे के आपका नाम लिखना है, और उसको सेंड कर देना है 57575 पे। और दोस्तों यहाँ पर VC नंबर आप पूछोगे कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही मैसेज जो आ रहा है उसमें सबसे पहले यहाँ पर लो बैलेंस के नीचे एक VC नंबर दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको VC नंबर जो है वो टाइप कर लेना है। तो ये है आपका VC नंबर। और अगर आपको यहाँ पर TV आपने ऑन नहीं किया है, उससे पहले ही अगर आप VC नंबर से बॉक्स को एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप जो आपने बॉक्स ख़रीदा है उस बॉक्स के ऊपर डिब्बे के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ QR कोड वगैरह दिए गए होंगे, आप देख लीजिए साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर VSC नंबर लिखा हो यही है आपका VC नंबर। तो इस VC नंबर को आपको सेंड कर देना है, उसके बाद आपको थोड़ी देर में एक मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग डिश टीवी, और उसके बाद आपका बॉक्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर से
पूरा आनंद ले पाएंगे। जो भी आपके बॉक्स के अंदर पैकेज में जो भी चैनल शामिल है वो सारे चैनल आपके एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे चैनल जो है वो अब आराम से चल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक सिंपल छोटा सा एक मैसेज भेजना है और ये जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो वीडियो के टाइटल पर आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी में दे दूंगा, वहां से आप ये सारी जानकारी ले पाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे बॉक्स के अंदर स्टार भारत HD है, इंक्लूडेड है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप 2 साल तक सारे चैनलों का मज़ा ले पाएंगे, फ्री डिश वाले सारे चैनल चलेंगे, उसके बाद जो आप एडिशनल चैनल ऐड करना चाहें वो भी आप अपने हिसाब से कर पाएंगे। दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आप अपना बॉक्स को एक्टिव कर लोगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए JKDSinfo यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिल देंगे नए वीडियो।